स्मॉल केसेस के बारे में आप सब जानते होंगे, जो इन्वेस्टमेंट का टाइप है काफ़ी फेमस बनता जा रहा है डे बाय डे। तो काफ़ी अच्छे इन्वेस्टमेंट का टाइप भी है, जो लोग डायरेक्टली स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते वो स्मॉल केसेस के थ्रू भी जो है स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो आपको पता है स्टॉक स्मॉल केसेस होते हैं जो होते हैं म्यूचुअल फंड की ही तरह हैं थोड़े थोड़े, क्योंकि जो स्मॉल केसेस होते हैं वो भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं, सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्टमेंट करते हैं, और जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं वो भी सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो चाहे फिर डेट सिक्योरिटीज़ हो या इक्विटी सिक्योरिटीज़ हो। तो स्मॉल ऐसे कई स्मॉल केस हैं जो ऑलरेडी मार्केट में हैं, जो बने हुए होते हैं, कि जैसे इक्विटी स्मॉल केस, गोल्ड स्मॉल केस, और इक्विटी और गोल्ड का स्मॉल केस, इक्विटी एंड डेट सिक्योरिटीज़ का स्मॉल केस, और इन फार्मा ट्रैकर थीम, जो थीम्स म्यूचुअल फंड होते हैं, थीम्ड म्यूचुअल फंड होते हैं। तो वहाँ पर जो है स्मॉल केसेस में आपको म्यूचुअल फंड्स के अकॉर्डिंग जो है चार्जेस कम लगते हैं, और जो है डायरेक्टली जो स्मॉल केसेस जो भी आप जिसमें भी आपने इन्वेस्टमेंट किया होता है, तो वहाँ पर जो प्राइस स्मॉल केसेस की परफॉर्मेंस होती है वो अकॉर्डिंग टू स्टॉक जैसा परफॉर्म करते हैं जो स्मॉल केस के उस पोर्टफोलियो में होते हैं, तो वैसे वैसे वो स्मॉल केस है जो परफॉर्म करता है वैसे वैसे आपको अच्छी रिटर्न्स मिलती हैं। हाँ, बट थोड़ी सी जो इन्वेस्टमेंट होती है उनमें थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। तो आज कुछ उन्हीं स्मॉल केसेस के बारे में बात करेंगे कि कुछ अच्छे स्मॉल केसेस जिन्होंने कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रिटर्न जो है एवन ईयर में टॉप रिटर्न्स दिए हैं, टॉप गेनर्स रहे हैं पिछले साल के, तो उन फंड्स के उन स्मॉल केसेस के बारे में आपके साथ डिस्कशन करेंगे और बात करेंगे कि आपको क्या उनमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। बट जो है अभी स्मॉल केस में एक थोड़ा सा इशू है, वो ये है कि अगर आप स्मॉल केस में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपका जो है ब्रोकर के पास अकाउंट होना चाहिए किसी अपस्ट्रोक्स में। अभी उन्होंने अलो नहीं किया इन्वेस्टमेंट जो स्मॉल केस में कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल IIFL के अगर आपका ब्रोकर है तो आप उसके जरिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जुड़ौदा में अकाउंट है तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक अपना अकाउंट ओपन नहीं किया, और आपको मैं बता दूं एलिक ब्लू जो कि एक डिस्काउंट ब्रोकरेज है जहां पर आपको जो है 0.01% की इंट्राडे जो है ब्रोकरेज लगेगी, और 0.10% की जो है इक्विटी डिलीवरी में जो है ब्रोकरेज लगेगी, और 22 times तक जो है आपको इंट्राडे में मार्जिन मिलेगा, और अप टू 3 times जो है इक्विटी डिलीवरी में आपको जो है मार्जिन मिलेगा। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट वहाँ पर अकाउंट अपना ओपन करना चाहते हैं और वहीं पर से आप स्मॉल केसेस में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो अगर आप हमारे लिंक के थ्रू जो अकाउंट ओपन करते हैं एलिक ब्लू में और इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपकी आपको जो है हमारी तरफ से इन्वेस्टमेंट टिप्स दी जाएंगी, और साथ में साथ जो आपको इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी भी दी जाएगी। तो आपको जो स्टॉक मार्केट पर भी जी अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको जो है टिप्स और इंट्राडे कॉल्स भी हम प्रोवाइड करवा देंगे स्मॉल केसेस के बारे में, जो कि टॉप गेनर्स रहे हैं पिछले साल में। और उसके लिए मुझे आपको स्क्रीन पर लेके चलना पड़ेगा, तो चलिए चलते हैं। तो जब आप अपना अकाउंट ओपन करके स्मॉल केसेस का ऑप्शन जो है ओपन करेंगे, तो आपके सामने है जो ऐसा इंटरफेस शो होगा। तो यहाँ से आप जो है अलग अलग सेक्टर की जो स्मॉल केसेस हैं उनको चूज़ कर सकते हैं। तो अभी मैंने यहाँ पर जो है टॉप गेनर्स हैं जो लास्ट ईयर में उनकी ऑप्शन को सर्च कर रखा है। तो जो फर्स्ट कंपनी है, सॉरी फर्स्ट स्मॉल केस है, वो है बाऊजी फार्मा ट्रैकर। तो फार्मा सेक्टर आपको पता है कि कितनी ज़्यादा रिटर्न्स है, वो फिर चाहे फार्मा म्यूचुअल फंड्स हो या फिर फार्मा के जो स्टॉक्स हैं उन्होंने भी कितनी अच्छी रिटर्न्स दी है। तो आप सब जानते हैं कि फार्मा का जो सेक्टर है वो क्यों ग्रोइंग हो रहा है, ड्यू टू COVID-19, क्योंकि जब भी वैक्सीन आई तो जो है फार्मा सेक्टर की और कोई कंपनी ही जो है वैक्सीन लाएगी देश में, तो इसलिए जो फार्मा सेक्टर है थोड़ा सा भी ज़्यादा ग्रो कर रहा है। और वैसे जो है FMCG कंपनीज हैं वो भी काफ़ी ग्रो हुई थी, काफ़ी अच्छी वहाँ से भी रिटर्न्स जो है मिली थी। तो आपको बता दूं कि पास्ट वन ईयर की रिटर्न्स हैं जो 59.45% रिटर्न है इस स्मॉल केस की, लगभग 60% की रिटर्न्स हैं जो इस फंड ने दी हैं, इस स्मॉल केस ने दी हैं। और मिनिमम अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो 19,947 जो है आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करने होंगे। और यहाँ पर अगला जो स्मॉल केस शो हो रहा है IIFL COVID-19 रिसाइलेंट पोर्टफोलियो। तो यहाँ पर जो है स्ट्रॉन्ग कंपनीज़ को इन्वॉल्व किया गया था। IIFL इंडियन इन्फोलाइन एक सिक्योरिटीज स्टॉक ब्रोकर है, तो उनका जो है स्मॉल केस उनके द्वारा बनाया गया है। तो पास्ट वन ईयर में रिटर्न्स दी हैं जो 33.15% की रिटर्न इस स्मॉल केस ने दी हैं, और मिनिमम अमाउंट है जो 44,827 आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करने पड़ेंगे अगर आप इस स्मॉल केस में जो है इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो अगला यहाँ पर स्मॉल केस जो शो हो रहा है कैंसलिम SQ, तो इसकी जो पास्ट वन ईयर की रिटर्न्स हैं वो है 24.89% की, लगभग 25% की रिटर्न इस स्मॉल केस ने दी हैं, और मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप इसमें 32,224 से कर सकते हैं।
अगला स्मॉल केस यहाँ पर शो हो रहा है डिविडेंड स्टार्स, जो हाई डिविडेंड यील्ड कंपनीज हैं, आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, डिविडेंड प्लान्स चूज करते हैं, तो ठीक उसी प्रकार जो डिविडेंड देते हैं डिविडेंड कंपनीज हैं वो कंपनीज इस स्मॉल केस में ऐड हैं, और यहाँ पर जो है आपको डिविडेंड भी मिलता है। तो पास्ट वन ईयर की रिटर्न जो 20.19% की हैं, मिनिमम अमाउंट आप इसमें 13.928 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं। आईटी ट्रैकर आपको पता है आईटी कंपनीज हैं जो इंफोसिस हैं, टीसीएस हैं, तो ये सब जो है आईटी कंपनीज हैं, वो कंपनीज जो हैं इसमें इस स्मॉल केसेस में ऐड है। इस स्मॉल केस का पोर्टफोलियो आईटी कंपनीज का है। तो पास्ट वन ईयर की रिटर्न्स हैं जो 19.30% की रिटर्न इस स्मॉल केस ने दी हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट है जो 37,625 रुपये आप इसमें कर सकते हैं। नेक्स्ट स्मॉल केस यहाँ पर जो हो रहा है ग्रोथ एंड इनकम, तो ग्रोथ भी है और साथ में इनकम भी है, टाइम बाय टाइम जो है आपको इनकम आप इसमें से जनरेट कर सकते हैं। जो है मिड कैप कंपनीज के स्टॉक्स में जो है इन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, और जो डिविडेंड देने वाली कंपनीज हैं और जो है हाई ग्रोइंग कंपनीज हैं उन स्टॉक्स में इस स्मॉल केस का पोर्टफोलियो है। ऑल वेदर इन्वेस्टिंग, तो ये जो ऑल वेदर इन्वेस्टिंग है ये जो है इसमें इक्विटी भी, गोल्ड भी और डेट सिक्योरिटीज़ भी और फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स में भी इन्वेस्टमेंट होती है, तो इसलिए जो इस स्मॉल केस का नाम काफ़ी अच्छा है ऑल वेदर इन्वेस्टिंग, तो हर मौसम में इन्वेस्टिंग। तो पास्ट वन ईयर में रिटर्न इस फंड ने स्मॉल केस ने दी है 17.15%, और जो है मिनिमम अमाउंट आप इसमें ज़्यादा नहीं है 4,957, केवल मात्र 5,000 रुपये लगभग शुरू कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो स्मॉल केस यहाँ पर शो हो रहा है इक्विटी एंड गोल्ड का, तो यहाँ पर अमाउंट भी कुछ ज़्यादा नहीं है, ये जो स्मॉल केस है इक्विटी मतलब स्टॉक्स में, और गोल्ड है जो गोल्ड्स में इन्वेस्टमेंट कर रखी है, जो स्मॉल केस का पोर्टफोलियो है वो गोल्ड और इक्विटी का है। तो पास्ट वन ईयर की रिटर्न है जो 15.93% की, मिनिमम अमाउंट है जो 186 रुपये आप सिर्फ इसमें इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। राइजिंग रूरल डिमांड कंपनीज जो हैं बेनिफिट हो रही है, जो रूरल डिमांड जो बढ़ रही है हमारे देश में, तो ये जो स्मॉल केस है उन कंपनीज़ का पोर्टफोलियो है स्मॉल केस में। इस स्मॉल केस ने जो रिटर्न्स दी हैं पास्ट वन ईयर में 13.92% की, और मिनिमम अमाउंट है जो 25,687 रुपये आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो अगर आप मेरे से पूछें कि इन सब में से किस में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो मैं आपको राय दूंगा इक्विटी एंड गोल्ड में और ऑल वेदर इन्वेस्टिंग में। इसलिए नहीं कि इनमें इन्वेस्टमेंट अमाउंट कम है, बल्कि ये जो इनका पोर्टफोलियो है वो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि जो ऑल वेदर इन्वेस्टिंग में है वहाँ पर जो है डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो है, रिस्क जो है आपका डाइवर्सिफाई है, और इक्विटी और गोल्ड में जो वो भी काफ़ी अच्छा जो स्मॉल केस है। तो मैं एक और राय दूंगा आपको, आप अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो फार्मा ट्रैकर के स्मॉल केस में जो है इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।